जगदीप तू फौरन पुलिस स्टेशन आ जा, दिस इंस्पेक्टर इज नॉट लिसनिंग टू मी। और हाँ, वो टीवी रिपोर्टर्स को भी इन्फॉर्म कर देना। ये सच है कि हमने अच्छे से तहकीकात नहीं की है। अगर लुथराज केस वापस ले रहे हैं, हमारी तरफ से जरूर कोई ना कोई गलती हुई होगी। और ऊपर से जगदीप खन्ना वकील, उससे टकराने का मतलब है कि मुसीबत को दावत दें। हाँ तो जगदीप, मिस्टर लुथराज प्लीज बैठे। जगदीप जस्ट होल्ड। देखिए, अगर आपको ये केस वापस लेना है तो अपनी जिम्मेदारी पर। मैं नहीं चाहता कि कल जाकर आपके फैमिली का कोई भी मेंबर पुलिस स्टेशन में आकर के हंगामा करे, तमाशा। इंस्पेक्टर यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, मुझे यहाँ मेरी फैमिली नहीं भेजा है, मैं उन्हें ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके okay? और मैं लिख कर दे सकता हूँ कि इस फूड पॉइजनिंग के केस में अरोड़ा फैमिली का कुछ लेना देना नहीं है। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो आप लिख कर दीजिए, मैं रिहा कर देता हूँ। जगदीप यू डोंट नीड टू कम, ऑल सॉर्टेड। एक्सक्यूज मी, रिलीज। कांस्टेबल सरला अरोड़ा को ले आओ। वैसे सही फैसला किया आप, गुड डिसीजन। ये फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए। क्या ऋषभ जी यहाँ आए थे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है माँ। बहुत शर्मिंदा था वो, माफी मांगने आया था कि वो हमारी कोई मदद नहीं कर पाया। बहुत ही अच्छे और बहुत ही नेक इंसान है ऋषभ जी। उनके परिवार की वजह से मेरी मदद नहीं कर पाए, लेकिन उनके मन में इतनी गिल्ट थी कि यहाँ पर आकर आपसे माफी मांगी उन्होंने। मैं समझ सकती हूँ माँ कि उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। मैंने ऐसे ही उन्हें इतना कुछ सुना दिया। तूने इससे देवता जैसे आदमी को सुना दी? माँ आप मुझे डांटिए मत। क्यों, डांटे वाली बात तो की है ना तूने? ए मैडम साइड लावा, ताला खोलना है। आप ताला खोल रहे हैं? हाँ, माँ को बाहर निकाल रहे हैं? हाँ, सरला को छोड़ दिया है। बता नहीं सकती कि आपको देखकर सृष्टि कितनी खुश होगी, वो तो खुशी के मारे पागल हो जाएगी। और दादी, दादी बहुत उदास है आपके बिना माँ, आपको देखकर बहुत खुश हो जाएगी। मैं उनका मुझ चेहरा देखने के लिए रुक नहीं सकती। मैं किसी को बताकर नहीं आई कि मैं आपको लेने आ रही हूँ। वो लोग इतने खुश होंगे, पता न जाएगा माँ।